सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं संदीप राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सागवान से अपने पढ़ने प्रश्नावली 7.1 सरल समीकरणों की सहायता से सीख कीजिए। आगे है सवाल नंबर 18। एलएचएस क्या दी है अपने को? लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा गुणा में 1 प्लस टेन प्लस कोस थीटा गुणा में 1 प्लस कोस थीटा। टेन थीटा को किस में चेंज करते हैं? साइन और कोस में चेंज करेंगे, कोट को भी साइन कोस में चेंज करेंगे। तो ये आपका साइन थीटा 1 प्लस टेन को क्या लिखते हैं? साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोट को किस में चेंज करेंगे? कोस कोस साइन में, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होता है? कोस बटे में साइन। यह आ गया आपका साइन थीटा, लघुत्तम आ जाएगा आपका यहां पर कोस थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा आपका कोस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस लघुत्तम आ जाएगा यहां पर आपका साइन थीटा कोस थीटा को लिखा मैंने, लघुत्तम आ गया आपका साइन थीटा, ऊपर क्या बन गया साइन थीटा प्लस। देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, ऊपर दोनों कॉमन ले लीजिए, ये बन गया आपका कोस थीटा प्लस का साइन, यहां पर रह गया आपका साइन, साइन थीटा बटे में रह गया आपका कोस थीटा प्लस, यहां पर क्या रह गया आपका कोस थीटा बटे में साइन। लघुत्तम लिया मैंने, यहां पर क्या रहेगा साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, ये पहले लिख देता हूं कोस थीटा प्लस साइन थीटा, वैसे का वैसा लघुत्तम आ गया साइन थीटा कोस थीटा। कोस थीटा का भाग दिया मैंने इसके अंदर, क्या रह गया साइन थीटा, साइन थीटा का साइन से थीटा से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का भाग दिया साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा कोस, कोस थीटा का कोस थीटा से गुणा किया क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आपके पास है 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में क्या है साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, इसका मान 1 है, मैंने छोड़ दिया दोनों को अलग अलग भाग में लगा देता हूं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे साइन, 1 बटे साइन को क्या लिखते हैं अपने कोसाइन प्लस, साइन से साइन कैंसिल, 1 बटे कोस, 1 बटे कोस को क्या लिखते हैं साइन थीटा, और ये किसके बराबर आ गया आपका राइट हैंड साइड कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है आपके पास, एलएचएस क्या दी है? साइन ए प्लस कोसाइन ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। आरएचएस क्या है? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए दिया हुआ है, अपने को उत्तर किसमें लेके आना है? टेन और कोट के अंदर, तो एलएचएस लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है साइन ए प्लस कोसेक ए इसका वर्ग प्लस कोस ए प्लस सेक ए पूरे का वर्ग, और उसके वर्ग खोलेंगे ए प्लस बी का वर्ग, होल स्क्वायर कैसे करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का दो ए, तो पहले का वर्ग साइन स्क्वायर ए प्लस दूसरे का वर्ग कोसेक स्क्वायर ए प्लस दो गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या साइन ए गुणा में कोसेक ए प्लस इसका भी वर्ग खोलें बिल्कुल वैसे ही कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस के दो कोस ए गुणा में सेक ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है? एक। इन दोनों को मान में लिख दिया एक,
उसके बाद साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, एक के बराबर, एक प्लस दो, ये चीज दी थी मैंने। उसके बाद दो गुणा में कोस से सेक, दो गुणा में कोस से सेक, कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो दोनों गुणा में आएंगे, कोस ए और सेक इसका मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो प्लस का ये दो हो गया, प्लस का दो हो गया। उसके बाद आपके पास बतिया कोसाइन स्क्वायर, क्या बच गया, कोसाइन स्क्वायर प्लस एक ही आपका रह गया सेक स्क्वायर ए, दोनों लिख दिया। उसके बाद दो दो चार और एक पांच प्लस, अब देखो अपने जो शीट के नाम के अंदर क्या है, टेन और कोट है, तो अपने कोसेक आ गया और सेक आ गया, इन दोनों को किस में चेंज करेंगे, टेन और कोट में, अपने पास फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर, और सेक किसके बराबर होता है, ए प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर। आगे देखिए पांच प्लस एक छह और एक सात प्लस, आगे क्या है आपके पास, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये आपकी आर एच एस आर किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 21। धन्यवाद।